Hi friends, this is S.St. Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to study class 10th history chapter 3rd, that is nationalism in India. इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मेरे चार लेक्चर्स जो है अपलोड कर चुका हूँ. जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को आज, पहले बेहतर हुआ कि आप जाके उन वीडियोस को देख लो ताकि लेक्चर को समझने में आसानी होगा और उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए. और जो नए हैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अपना वही पुराना स्टेटमेंट कि एनसीईआरटी बुक और पेंसिल मस्ट है मेरे साथ पढ़ने के लिए. सो लेट्स बिगिन. ओपन योर बुक पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 में हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा थर्ड, टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हमारा जो मूवमेंट जो चल रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह का आइडियोलॉजी दिया गया, रॉलेट एक्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, अब इन सब के बाद हमारा जो मूवमेंट है वो बढ़ता है किधर, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली है क्या, तो आसान सी भाषा में मैं बताऊं आपको अगर इसके बारे में, तो ये ऐसा मूवमेंट जिसमें कह रहे हैं कि सर, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं हम वो नहीं करने वाले हैं, है ना. मतलब सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही क्या हुआ कि हम एकदम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे. जैसे हम बोलते हैं बच्चा लोग मैडम से कम बात करो, तुम कह रहे हो सर ना ही ना हो, है ना. वही चीज है. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. देखो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि देखिए महात्मा गांधी ये चीज ऑब्जर्व किए कि जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हिंसक हो रहा है, लोग जो है लोगों के अंदर गुस्सा भरते जा रहा है. और नो डाउट जब लोगों के अंदर गुस्सा भरेगा तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो किसी ना किसी तरीके से वायलेंट होना है. अब इस चीज की वजह से फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. देखो यहाँ भी उन्हें भी महसूस हो रहा था इस तरीके से 22 पुलिस वालों को जो जला दिया गया था चौरी चौरा में, उसके बाद उन्हें ये महसूस हो रहा था कि लोग जो हिंसक होते जा रहे हैं उन्हें ट्रेन करने की आवश्यकता है, उन्हें फिर से एक बार नए सिरे से सत्याग्रह का मतलब समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आखिर स्वराज का मतलब क्या है और हम लोग इस चीज के लिए कैसे लड़ेंगे, तरीका समझाना होगा. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to provincial council that have been set up by Government of India Act of 1919. इस Government of India Act of 1919 को underline कर लो. Congress के बीच कहता है कि बहुत से leaders जो है अब इस चीज को इस तरीके के movement से वो तंग आ चुके थे. अब जो Government of India Act के तहत जो आपका provincial election की जो बात आई थी जो कि boycott किया जा रहा था non cooperation movement के time पे, अब वो लोग इस चीज में कहता है कि वो participate करना चाहते थे. नेक्स्ट कहता है दे फेल डेट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल. अंडरलाइन कीजिएगा, स्टार मार्क देके, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. उन्हें क्या महसूस होता था कि ये जरूरी है कि जब तक हम लोग जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, जो गवर्निंग बॉडी है, वहाँ हम लोग जब तक पहुँचेंगे नहीं तो फिर हम लोग अपनी बातों को रख कैसे पाएंगे. वहाँ जाने से क्या होगा, हम लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, अपने अधिकारों को अपनी मांगों को रख सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें ये बता सकते हैं कि ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल जो बार बार रिपीट हो रहा है, मैं बता दूँ फिर से आपको कि ये क्या होता था, वायसराय के अंडर में जो काउंसिल होती था, जो प्रेजेंटली आपका पार्लियामेंट है उसी में ये काउंसिल चलती थी, उसकी बात हो रही है. तो उन्हें यह भी बताना था कि ये जो तौर तरीका है इस काउंसिल का वो डेमोक्रेटिक नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं हम लिस्ट में, सी आर दास, स्टार मार्क देखें अंडरलाइन करना, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. 1923 में ये हुआ था, अंडर कहीं भी साइड में लिख लो, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में, किसके किसके द्वारा, तो सी आर दास, ये सी आर नहीं है, सी आर चितरंजन की बात हो रही है, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू जो कि आपके पंडित नेहरू के बाऊजी थे. तो इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई. और पर्पस क्या था इस स्वराज पार्टी का, तो मेन पर्पस इस स्वराज पार्टी का, तो जो काउंसिल इलेक्शन बॉयकट किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, तो इस पार्टी के थ्रू काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना. आई होप कि क्लियर होगा यहां तक हर चीज. आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां से. बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस. लेकिन जो उस समय के नौजवान जो गर्म खून वाले जो नेता थे नेहरू और आपके सुभाष चंद्र बोस, इनका कहना था कि अब यहाँ पे बड़े पैमाने पे मास स्ट्रगल किया जाए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाए, है ना.
In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920. अब चूंकि हम लोग दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही टसल चल रहा है, एक तरफ बाबूजी कह रहे हैं कि हम अलग पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे, बाबूजी मतलब मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है जो कि स्वराज पार्टी और काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहीं बेटा जी जो है ये तो यहाँ वही हाल हो गया, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव वाली बात हो गई जो आपस में भिड़ पड़े राजनीति के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि ये देश की आज़ादी के लिए हो रहा है। तो यहाँ नेहरू का कहना था कि हम लोग लड़ेंगे फिर से मास एग्रीटेशन, बड़े पैमाने पर मूवमेंट करेंगे। अब इस चीज की वजह से कहता है कि दो पहलू देखने को मिलता है 1920 में कांग्रेस के अंदर, क्या? तो कहता है द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस समय एक जो इफेक्ट दिखा है इंडिया के ऊपर वो था जो इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s का वो डिकेड जिसमें कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, कई बार ये सारी चीजें जिक्र हो चुकी है उसका। और इस चीज में कहता है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। अंडरलाइन कर लीजिएगा 1926 के बाद, चूंकि डिप्रेशन अगर आ रहा है तो मतलब अगर महामंदी आ रही है तो ऐसा नहीं कि अचानक से होने वाला, ग्रेजुअली इसका इंपैक्ट दिखना शुरू होता है। तो 1926 के आसपास में कहता है कि क्रॉप्स की जो प्राइसेस थी वो डाउन होने लगी और 1930 आते आते तो बिल्कुल मतलब जीरो पे पहुंच गया, ठीक। एंड एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को। अब जो फसल बिकेगा नहीं, जो सोर्स ऑफ इनकम रहा नहीं, तो नो डाउट आप रेवेन्यू कैसे पे करोगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स तो लेने से मना करेगी नहीं, टैक्स तो वहां पे करना ही था, तो ये सारी परेशानियां उन्हें झेलना पड़ा। एंड कहता है बाय द 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। और इस चीज की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में 1930 आते आते पूरा उथल पुथल था इस तरीके की चीजों की वजह से। और फिर कहता है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैचुअरी कमिश्नर सर जॉन साइमन। और ये चीज अभी चल ही रहा था, डिप्रेशन था ही, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसी बीच में कहता है कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो साइमन कमीशन की स्थापना कर देती है। क्या है भाई साइमन कमीशन, देखते हैं। सेट अप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। बेसिकली ये जो साइमन कमीशन है इसकी स्थापना ब्रिटेन में की गई थी 1927, जो आप ऊपर लिखा हुआ है जॉन साइमन के नेतृत्व में जो साइमन कमीशन बनाई गई, बगल में कहीं भी लिख लो डेट कि कब सेटअप किया गया, 1927 में सेटअप किया गया। क्या पर्पस था, स्टार मार्क देकर अंडरलाइन कर लेना है इसको, कि सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। हमारा भारत का जो फंक्शन है, जो कामकाज करने का जो तरकार है, तरीका है भारत सरकार का, उसके बारे में जांच पड़ताल करना और उसमें सुधार के लिए कमीशन की स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, तो कहता है द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब बताओ जिसके भलाई के लिए, जिसकी अच्छाई के लिए आप काम कर रहे हो उसमें से कोई व्यक्ति नहीं हो तो हम कैसे मान लें कि हमारे लिए अच्छा है ना। एंड दे वर ऑल ब्रिटिश, जितने भी मेंबर थे उस साइमन कमीशन में सब के सब ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पे कहीं भी साइड में सवाल लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, एक राइट शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में शॉर्ट में ब्रीफ में आपको लिखना है, वो आपको ऊपर अंडरलाइन कर चुके हो। अब देखो, अब जब ये साइमन कमीशन कंप्लीटली अपना रिपोर्ट जब तैयार कर लिया तो ये कमीशन इंडिया पहुंचता। वेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, डेट बता दूं 1928 में कब आया था, तो 3rd of February, 3 फरवरी को ये इंडिया आया 1928 में साइमन कमीशन। इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो इंडिया में इसका कैसे स्वागत किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन करके। एंड ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। और ये वो डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें कि सभी की सभी पार्टियां, वेदर इट इज कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सब एक साथ मिलकर इसका प्रोटेस्ट किए। अब जब प्रोटेस्ट जब बढ़ा तो उस समय, अब यहां फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब समस्या उत्पन्न हुई तो फिर एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। अब क्या सॉल्यूशन ढूंढा गया, उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे वायसराय लॉर्ड इरविन। अंडरलाइन कीजिएगा, इन एन ऑफ एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन October 1921 अ वैगी ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरलाइन कर लिए इस चीज को। अब समझते हैं यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब है कि यहाँ एक ऑफर दिया गया, गोलमोल सा ऑफर था जिसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ ऑफर दिया गया इंडियंस को कि हम आपको आजाद कर रहे हैं, वाह
बड़ा वाला लड्डू है, लेकिन मिर्च के साथ कैसे आज़ाद कर रहे हैं? तो आपको आज़ादी देंगे, लेकिन ब्रिटिश सॉरी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किसके अंडर में रहेगी? तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में रहेगी। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपको आज़ादी दी गई बट किसके अंडर में रह के फंक्शन करना है? तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रह के फंक्शन करना है। और इसी चीज़ में, इसी चीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन के लिए कि अब आगे संविधान कैसे होगा, उस चीज़ के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर किया गया इंग्लैंड में। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन इस ऑफर से कोई भी कांग्रेस का लीडर जो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। और इस समय तक जो रेडिकल्स थे, जो थोड़े से गर्म खून वाले जो नेता थे, गर्म दल जिन्हें कहते हैं, वो और ज्यादा एग्रेसिव होते चले गए नए रिवोल्यूशन नए मूवमेंट्स के लिए। The liberals and the moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. अब ये वो टाइम था जब लिबरल्स, नरम दल वाले जो हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, इन दिसंबर 1929 अंडरलाइन कीजिएगा, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। स्टार मार्क देकर अंडरलाइन करना। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाहौर जो 1929 का कांग्रेस सेशन कहां पे हुआ था, मैप में आता है बेसिकली, तो लाहौर में हुआ था। और क्या रिजोल्यूशन पास किया गया था इस मूवमेंट में, इस सेशन में कांग्रेस के, तो इस कांग्रेस के सिस्टम में रिजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला रिजोल्यूशन लाया गया कांग्रेस के द्वारा। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसमें इस रिजोल्यूशन में क्या था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और यहाँ से लोग शपथ लेंगे संपूर्ण आज़ादी के लिए। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, कि आखिर हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। आप जब प्रीएम्बल पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हो गया था, 2 मंथ वेट क्यों किया गया? तो इसी दिन को मार्क करने के लिए, 26 जनवरी 1930 को जो पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, इसी चीज़ को मार्क करने के लिए ये हमारा रिपब्लिक डे जो है इस दिन पे मनाया जाता है। चलो देखते हैं आगे इसमें हम लोग। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। ऑब्वियसली यहाँ पे महात्मा गांधी को जो है अब कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढने की आवश्यकता थी जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हो। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग ऐसे एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो कि डेली लाइफ से जुड़ा था, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग होने वाली है। सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ने वाले हैं, डांडी मार्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे ग्रेजुअली कवर अप होते चले जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूले, और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो। थैंक यू, सी यू अगेन।